तो ये कहानी है बलून्स के ऊपर। तुम सोच सकते हो बच्चों के खेलने वाली ये चीज को भी जिन जीतों ने अपने माइंड से इतना डार्क और खतरनाक बना दिया है कि तुम्हें इसके बाद बलून से नफरत हो जाएगी। तो आज हम जिंजीतो की एक और स्टोरी पर बात करने वाले हैं, और ये जिंजीतो की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक है क्योंकि ये काफी डार्क और इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे 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 द हैंगिंग बलून्स। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी और उसका नाम है काजुको। काजुको एक हफ्ते से अपने कमरे में लॉक है और उसकी खिड़की पर भी कोई नॉक करके उसे पुकार रहा है। कमॉन यार काजुको, अब बाहर भी आ जाओ, कब तक अंदर बैठी रहोगी? काजुको कहती है मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती, अगर मैं गई तो मेरी मौत तय है, और ऊपर से जो आवाज मुझे पुकार रही है वो मेरी ही आवाज है, ये कैसे हो सकता है? इसके बाद तो अब मैं नहीं जाने वाली बाहर। और फिर कहानी में हम 1.5 महीना पीछे जाते हैं जहाँ एक पॉप आइडल तेरुमी फुजिनो की मौत से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। इसकी मौत ने सबको हिला कर रख दिया क्योंकि उसने अपने घर के बाहर फांसी लगाकर सुसाइड किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके माँ बाप ने बताया कि वो अपने काम को लेकर काफी स्ट्रगल कर रही थी, और टीवी पर यह खबर देखकर काजुको भी रो रही थी क्योंकि तेरुमी एक पॉप आइडल होने के साथ साथ उसके स्कूल की बेस्ट फ्रेंड भी थी। उसके फ्यूनरल पर काफी भीड़ थी और उसके फैंस तो पागल ही हो गए थे। अगले दिन काजुको अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है और तभी उन्हें अपने आगे उनका एक क्लासमेट दिखता है। तभी उसके आगे आकर चार बंदे खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं हम तेरुमी फुजिनो फैन क्लब के मेंबर्स हैं, क्या तुम ही हो? शिनिया शिराइशी। वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो तुम ही थे तेरुमी के बॉयफ्रेंड जिसने उसे अपने प्यार में फंसा कर उसे पागल कर दिया था और बाद में उसे डिप्रेशन में सुसाइड करना पड़ा। शिराइशी कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, और फिर वो चारों गुस्से में उसे पकड़ कर मारने वाले होते हैं कि तभी इतने में पीछे से काजुको चिल्ला कर कहती है उसे छोड़ दो, वो हमारा क्लासमेट है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं पास के थाने से पुलिस वालों को बुला लूंगी। और फिर वो चारों उसे छोड़कर चले जाते हैं। शिराइशी कहता है शायद वो ठीक कह रहे हैं, मेरी वजह से ही तेरुमी के साथ शायद ऐसा हुआ। काजुको कहती है ऐसा मत सोचो, इतनी छोटी सी बात के लिए वो सुसाइड नहीं करेगी, वजह कुछ और ही है। और फिर शिराइशी तेरुमी की याद में रोने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे देश में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे थे और वो सब लोग भी तेरुमी की तरह ही फांसी पर लटक कर मर रहे थे, और कुछ लोगों ने तो पार्क में उसका एक भूत भी देखा था। न्यूज रिपोर्टर जब उन विटनेस से पूछता है कि तुमने क्या देखा, तो वो बताते हैं कि उन्होंने तेरुमी का एक बड़ा समूह आसमान में उड़ते हुए देखा था जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कि ये सब उसके फैंस के दिमाग का भ्रम है। कुछ दिनों बाद एक फोटो भी सामने आती है जो सबको हिला कर रख देती है, जिसमें तेरुमी का उड़ता हुआ मुंह साफ दिख रहा था। उसकी क्लास में भी इस चीज के ऊपर बात हो रही थी, कुछ को लग रहा था कि ये फेक फोटो है और कुछ इसे रियल मान रहे थे। तभी काजुको आकर शिराइशी से पूछती है कि क्या तुम इन तेरुमी के गोस्ट की बातों को सच मान रहे हो? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है अपने घर के बाहर। वो कई बार अपनी आंखों से मुझे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने भी जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर रखा है। काजुको कहती है मुझे लगता है तुम्हें वहम हुआ होगा। शिराइशी कहता है तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद मेरे घर आकर देख लेना। रात में शिराइशी का फोन काजुको का आता है, वो उसे कहता है जल्दी इशोजी टेम्पल आ जाओ, मुझे यहाँ तेरुमी दिख गई है और वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। काजुको जल्दी से निकल कर वहाँ पहुँचती है, उसे अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो वो देख हैरान हो जाती है कि सच में तेरुमी का सर आसमान में उड़ रहा था। उसके पास उसे जाकर दिखता है कि शिराइशी पेड़ पर चढ़कर उसके पास पहुँचने की कोशिश कर रहा था, और उसके आगे एक फांसी का फंदा भी था। काजुको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने ऑब्सेशन में इतना खो गया था कि आगे जाते जाते वो उस फांसी के फंदे में लटक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस रस्सी के ऊपर उसी के चेहरे का एक बड़ा सा बलून होता है, और फिर वो दोनों चेहरे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर काजुको पागल हो जाती है और भागकर पुलिस के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताकर उन्हें वहां दिखाने के लिए लेकर आती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुके थे और पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले दिन रोड पर चलते हुए वो अपने दोस्तों को ये बात बताती है, लेकिन वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी काजुको को कुछ समझ आता है कि शायद इसी तरह ही तेरुमी की भी डेथ हुई होगी, उसका सर भी उसके बड़े बलून फेस के
फांसी के फंदे में फंस गया होगा और फिर उसकी रस्सी टूट कर उसकी बॉडी उस टेलीफोन वायर पर अटक गई होगी और इसीलिए वो एक सुसाइड जैसा लग रहा था। तभी उन चारों को आसमान में कुछ दिखता है। वो कहते हैं, अरे ये तो चार बलून से लग रहे हैं। और फिर वो तेजी से उनके पास आने लगते हैं और फिर उन्हें दिखता है ये बलून तो उनके फेस जैसे ही हैं। दो लड़कियां तो उनके फंदे में फंस कर मर जाती हैं और ये देखकर डर के मारे काजुको और चियारू सामने पतली सी गली में घुस जाते हैं। लेकिन वो अभी भी फंदा फेंक कर चियारू को पकड़ने की कोशिश करता है और वो दोनों ही बुरी तरह चिल्ला रही होती है। तभी साइड के घर से एक बंदा निकलता है और उनकी मदद करने के लिए वो उस बलून में तीर मार कर छेद कर देता है। लेकिन ऐसा करने पर असल वाली चियारू के साथ भी ऐसा ही होता है और उसका मुंह पूरा सिकुड़ जाता है और वो बुरी तरह मर जाती है। ये देखकर काजू को पागल हो जाती है। लकीली उसका घर वहां से पास में ही था, इसलिए वो बच बचा कर अपने घर जैसे तैसे पहुंचती है। लेकिन तभी उसे आसमान में कई और सारे बलून दिख रहे थे जिसमें उसके मम्मी पापा और छोटे भाई का भी बलून था। तभी उसका बलून उस पर अटैक करने के लिए पीछे से आता है और वो जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। टीवी में दिखाया जाता है कि ये बलून्स पूरे देश में फैल चुके हैं और हर किसी की जान ले रहे हैं और इसे रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इन बलून्स को डिस्ट्रॉय करने से वो इंसान भी खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि काजुको के पापा कहते हैं मुझे बाहर जाना होगा, ऑफिस में कुछ काम है। काजुको और उसकी मम्मी उन्हें मना करते हैं लेकिन वो कहता है फिक्र मत करो, बस कार तक ही तो जाना है और उनसे बचने के लिए मुझे सिर्फ अपने गर्दन को कवर करना होगा। अब वो अपनी गर्दन को हाथों से ब्लॉक करता हुआ भाग कर निकलता है और उसका बलून फेस जल्दी से आकर उसके हाथ से जकड़ कर उसे ले जाता है। बाहर से देख कर वो तीनों चिल्ला रहे थे और उन तीनों के बलून फेस उन्हें देख कर स्माइल कर रहे थे कि तुम्हारा भी यही हशर होगा। थोड़ी देर बाद उसका भाई योस्के कहता है आखिर कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ खाने को भी चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए। काजुको और उसकी माँ उसे मना करते हैं लेकिन वो कहता है फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो अपने साथ अम्ब्रेला ले जाता है और अपने फंदे में उस अम्ब्रेला को फंसा कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अम्ब्रेला धीमे धीमे फट भी रहा होता है। काजुको कहती है फिक्र करने की बात नहीं है माँ, यूस्के के पास काफी वक्त है वापस आने के लिए। लेकिन फिर एक हफ्ता हो जाता है। अब काजुको घर में अकेली थी। वो कहती है माँ ने भी तीन दिन पहले हिम्मत छोड़ दी और वो भी उनका शिकार बन गई और यूस्के तो एक हफ्ते से घर नहीं आया, इसका मतलब वो भी पकड़ा ही गया। और जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो ये सीन था। खिड़की से नॉक करके काजुको की खुद की आवाज उसे बाहर बुला रही थी, इसका मतलब है कि उसका बलून ही है जो उसे बुला रहा है। लेकिन काजुको को ये बात पता थी और इसीलिए वो खिड़की नहीं खोल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके भाई यूस्के की उसे आवाज सुनाई देती है कि बहन खिड़की खोलो, मैं यूस्के, मुझे अंदर आने दो, देखो मैं बचकर वापस आ ही गया। और ये सुनकर काजुको खिड़की खोल देती है लेकिन सामने उसे यूस्के तो दिखता है लेकिन उस छतरी के साथ लटका हुआ। यूस्के का बलून कहता है थैंक यू बहना खिड़की खोलने के लिए और हम देखते हैं कि काजुको का बलून भी वहां था। और बस यही है, कहानी खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि स्टोरी में जुनजी तो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो वो बलून्स थे वो असल में शुरुआत में उन इंसानों के पास आते हैं जिसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका हो और या फिर डिप्रेशन में चला गया हो और उसका कहीं ना कहीं अंदर मन कर रहा हो अपनी जिंदगी खत्म करने का। तो ये सारी चीजें इन बलून्स को अट्रैक्ट करती हैं और वो उनकी जान लेकर उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं, जैसा शुरू में तेरे मी फुजिनो के साथ हुआ। और जुनजीतो ने एक और पॉइंट पर रोशनी डाली है कि रियल लाइफ में भी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर के ऑब्सेशन में लोग इतना पागल हो जाते हैं कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। जैसा स्टोरी में भी हमें देखने को मिलता है कि उसके फैन उसकी मौत की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर मर जाते हैं और इन सब के ये करने के बाद ही ये एक डिजीज की तरह पूरी दुनिया में फैल जाता है और पूरी दुनिया को अपना शिकार बना लेता है। क्या ये बुराई के बारे में तुम जितना ज्यादा सोचोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ती है। अगर तुम्हें ऐसी जुनजीतो की दूसरी स्टोरीज देखनी है तो तुम इधर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा में मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दिया है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियोस के ऊपर। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम पता ये कर दो। आज के लिए बस करते हैं। अरे गतो।